मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माई क्लास। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट वॉट सोइल एयर। ओके गाइस, अपन ने लास्ट क्लास में सोइल एयर के बारे में अपन ने स्टडी करी कि वॉट इज अबाउट सोइल स्टडी सोइल एयर। देन अपन ने दो टर्म भी पढ़े थे, फर्स्ट इज पोर स्पेस एंड पोरोसिटी। अपन ने इसके बारे में पढ़ा। देन वी डिस्कस अबाउट ए फॉर्मूला कि अगर अपने को अपने पोरोसिटी अगर अपन को सॉइल के अंदर निकालनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या नहीं होता है। दिस ऑल और अपन ने डिस्कस किया कि क्ले के अंदर क्या होता है, क्ले में नहीं होता है, कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता। अब अपन जो सॉइल एयर है उसका अपन देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है फॉर सॉइल, यानी कि वॉट इज सिग्निफिकेंस of soil air for plants। Okay, so topic is okay, apna hello ho gaya। So topic is significance of soil air for plants। So this is topic, अपन इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। क्या फर्स्ट फर्स्ट गाइज ये होता है कि जो सीड जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन जो होता है उसके लिए, सीड जर्मिनेशन में उसके अंदर अपने को O2 की नीड होती है, यानी कि ऑक्सीजन की अपने को नीड होती है। तो पहला टॉपिक होगा अपना सीड जर्मिनेशन। दूसरा, अपन को ये पता है कि सोइल जो है एयर के अंदर, ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स होती है और जो भी अपने अंडरग्राउंड जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए या फिर अपने सोइल ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो दूसरा क्या हो गया, रेस्पिरेशन इन सोइल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर सोइल के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर रह रहे हैं तो उनको वहाँ पर रेस्पिरेशन के अंदर सोइल एयर की नीड होती है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस के फॉर्मेशन के लिए भी अपने को ये चाहिए होता है। ओके, दूसरी चीज अपन को पता है कि ये जो मेन रूप से है, जो भी जो वाटर में जो सोल्यूबल नहीं होते हैं उनको सोल्यूबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी सोइल एयर का अपने को नीड होती है, कि अनसोल्युबल को सोल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए। ये हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ जो अपना है नेक्स्ट जो अपना फिफ्थ है उसके अंदर अपने को चाहिए कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं या जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए भी सोइल का, सोइल एयर का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली जो उनकी जो प्रोसेस होती है उनको भी क्या होती है, सोइल की, सोइल एयर की काफ़ी नीड होती है। जैसे कि अपने को पता है वाटर लॉग्ड सोइल के अंदर, वहाँ पर भी इसकी नीड अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है या अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं उनमें अपने को रेस्पिरेशन के लिए अपने को पता है जो भी एनर्जी मिलती है तो उसके अंदर भी सोइल एयर के बिना उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेन मेन चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं सोइल एटमॉस्फेयर में अगर
O2 की कमी होती है और CO2 के अगर वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी, तो वहाँ पर क्या होते हैं काफ़ी सारे टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे कि अपने को पता है कार्बनिक एसिड H2S का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं प्लांट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। तो ये चीज़ अपने को पता है कि टॉक्सिक अगर कुछ सब्सटेंस होंगे तो वो तो अपने को पता ही है कि प्लांट्स के लिए क्या होते हैं हार्मफुल अपने मटेरियल होते हैं। तो ये सबसे पता चलता है कि सोइल एटमोसफियर में जो भी गैसेज है मोस्टली कौन कौन से होंगे O2 एंड CO2, ठीक है, इनकी अगर जो भी क्वांटिटी होती है इनको बैलेंस करने के लिए जो भी सोयल में जो प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ पर क्या होती है डिपेंड्स होती है। लेकिन अगर सोयल के अंदर एरेशन के अंदर अगर कोई भी कमी आती है तो वहाँ पर क्या होता है जो भी सोयल एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाए तो इससे प्लांट्स पर क्या अफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, यानी कि सोइल एरेशन में या वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो वहाँ पर क्या हो सकता है। पहला तो क्या होगा कि जो प्लांट बॉडी जो है, प्लांट जो बॉडी है उसके अंदर जो उसके रूट्स और जो उसका स्टेम है काफ़ी छोटे या फिर अनडेवलप्ड रह जाते हैं, क्या हो जाएंगे रूट्स एंड स्टेम विल बी अनडेवलप्ड। तो एक तो ये हो गया, ये क्या है रीज़न है कि क्यों ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज़ जो रूट्स के ब्रांचेस है, रूट ब्रांचेस एंड रूट हेयर्स, ये भी क्या हो जाएंगे अनडेवलप्ड। गॉट इट, रूट्स के अंदर मिनरल एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की अगर कमी आ जाती है तो जो दलदल वाले क्षेत्र होते हैं या जहाँ पर कीचड़ होते हैं वहाँ पर अगर पेड़ पौधे की जड़ें क्या हो जाएगी कम डीप के अंदर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सोयल एयर के बारे में हो गया, बस इतना ही था कि सोयल एयर के अंदर मोस्टली किस किस के काम होते हैं, अपना ऑक्सीजन और CO2 का काम होता है। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे वो होगा सोयल वाटर, नेक्स्ट अपना फिफ्थ जो पॉइंट आएगा। सोयल वाटर, सो व्हाट इज सोइल वाटर, देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपन को। इसमें सोइल के अंदर जो वाटर होता है, सोइल एयर के बारे में अपन देख लें कि सोइल एयर में क्या होता है क्या नहीं होता है, अब अपन देखेंगे कि सोइल वाटर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस अपने को पता है कि जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के अंदर पोरस स्पेस होता है, अपने को अच्छे से पता है। ओके, पोर स्पेस के अंदर अपन ने ये बात तो कर ली थी कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होगा सोइल एयर अपने को देखने को मिलती है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं सोइल वाटर की, तो जो पोर स्पेस होते हैं उसके अंदर अपने को जो नीचे ग्राउंड, अपने को जो अंडरग्राउंड जो सरफेस जो लेयर्स होती है उनके अंदर जो वाटर होगा अपन उसको क्या बोलेंगे सोइल वाटर बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे यानी कि जो स्पेस होता है पोर स्पेस होगा या फिर अंडरग्राउंड स्पेस के अंदर जो लेयर्स होगी उनमें अगर क्या होगा वाटर होगा तो उस वाटर को अपन क्या बोलेंगे सोइल वाटर। तो सोइल में जो वाटर होता है उसका जो मोस्टली पार्ट होता है वो अपने को कहाँ से मिलेगा, रेनफॉल से मिलेगा, यानी कि सोइल वाटर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से, रेनफॉल से, यानी
यानी कि जो अपना अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो मोस्टली कहाँ से होगा, सोइल वाटर कहाँ से होगा, रेनफॉल से अपने को मोस्टली उसका कौन सा पार्ट होगा, रेनफॉल से अपने को देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर अपन प्लांट्स की अगर रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स अगर जो वाटर को ऑब्जर्व कर रही है तो उसके साथ में जो मिनरल्स को ऑब्जर्व कर रही है तो वो क्या कर रही है, अपने को जो भी मिनरल्स होते हैं वो सॉइल वाटर के साथ में जा रहे हैं, यानी कि जो मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, मिनरल्स हो गए एक तो सॉइल के अंदर, ठीक है, दूसरी चीज जो भी अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक मैटर जो हो गया विल बी ऑब्जर्व बाय मीडियम, कौन सी मीडियम, सॉइल, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर जो भी होंगे वो कहाँ से ऑब्जर्व होंगे, सॉइल वाटर होगी। तो जब भी रेनफॉल होता है, बारिश जब भी होती है, तो उस टाइम क्या होता है, ज़मीन पर आने वाला जो भी जो मोस्टली जो वाटर होगा वो सॉइल उसको ऑब्जर्व कर लेगी और भूमि के अंदर वो क्या चल जाएगा, काफ़ी डीप के अंदर चल जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करते हैं दूसरी साइड के अंदर, तो कुछ जो पानी होता है, कुछ वाटर होता है, वो जो रन ऑफ हो जाता है यानी कि बह जाता है ऐसे ही, वो कहाँ पर जाता है, जिसको अपन रन ऑफ वाटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रन ऑफ वाटर उसको बोलेंगे, जो मोस्टली कहाँ पे चल जाएगा, अपन बह करके कहाँ पे चल जाएगा, रिवर्स में और कोई सी पॉन्ड, अच्छा, यानी कि जो भी वाटर स्टोरेज जो जगह वहाँ पर चल जाता है ओशंस वगैरह में। फिर इनका क्या होगा, वहाँ पे वेपोरेशन होगा, वाष्पन प्रक्रिया होगी, देन क्या होगा, ये अपने वही वाटर साइकिल प्रोसेस में हिस्सा लेगा। और वाटर साइकिल के अंदर उनको पता है क्या होता है, रेनफॉल होगा, घूम फिर के, ये अपन बात अपन ने वाटर के अंदर अपन ने पढ़ ली थी क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर अच्छे से, इसके बारे में तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अपन इसके बारे में अच्छे से अभी जो वाटर होंगे उसके टाइप्स अपन अपने डायग्राम देखेंगे अभी, एक वो अपन एक डायग्राम बनाते हैं इसके अंदर एक, फिर अपन उस डायग्राम के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलो एक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊपर वाली सरफेस की, किसकी बात करते हैं, ऊपर वाली सरफेस की। ये ऊपर वाली अपनी क्या हो गई, सरफेस हो, दिस इज अपर सरफेस। उसके बाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे अपने, ठीक है। तो अपन डायग्राम को, हो गया, देन उसके नीचे थोड़े अपने को और अच्छे से वाले दिखेंगे बड़े बड़े, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पर ऑब्वियसली स्पेस होगा तो आने ये हो गया। तो इस स्पेस से नीचे वो ही अपना ग्राउंड वाटर,
ओके सो दिस इज आवर डायग्राम। अब अपन इसको रीनेम करते हैं। इसके अलावा एक मिनट, ओके डन। ओके नाउ एक छोटा सा अपन बादल बना दिया। बादल से अपने को क्या मिलेगा, रेनफॉल देखने को मिलेगा। ये लीजिए यहाँ पर हो रहा है अपने रेनफॉल, ये एक कोई बादल है। अपन इसको क्या बोल रहे हैं, रेन। ठीक है, ये जो है ये ऊपर अपने को जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, रनिंग वाटर है। कौन सा वाला, ऊपर वाला, ये वाला, यानी कि पानी बह रहा है। ठीक है, उसके नीचे केमिकली बाउंड वाटर आ जाएगा अपना। अपन इनके बारे में भी अच्छे से स्टडी करेंगे, क्या क्या होते हैं, टाइप्स होंगे ये। एक बार अपन सिर्फ इसको देख लीजिए आप, नीचे नीचे जो है ये मोस्टली अपन इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, व्हाट इज ग्राउंड वाटर। ओके नेक्स्ट, ये आपको जो छोटे छोटे जो पार्टिकल देख रहे हैं, ठीक है, और ये दिख रहा है ना आपको, ये ग्रेविटेशनल है। अपन अभी इसके बारे में भी देखेंगे क्या होता है। ओके नेक्स्ट, जो मोस्टली तो इतना ही है, अब अपन जैसे थोड़ा थोड़ा अपन देखेंगे, स्टडी करेंगे, अपन इसके बारे में देखते रहेंगे। अब अपन बात करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो अपना सबसे पहला जो पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा एक रेन से, रेनफॉल से स्टार्ट होगा कि पानी आ रहा है और पानी क्या हो रहा है, ये बह रहा है। देखो ये हो रहा है ना, ये वाला पार्ट ये रनिंग वाटर है, यानी कि सरफेस पर आया, सरफेस पे आकर के ये पानी बह रहा है। तो कुछ पानी तो क्या जाएगा, नीचे चल जाएगा, जिसको अपन ग्राउंड वाटर नाम। तो पानी अगर भूमि के अंदर या अपने सरफेस के अंदर अगर एंट्री हो रहा है, तो मिट्टी की या सोइल की काफ़ी सारे उसके जो कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि उसका अपने मिनरल्स के, उनका शेप हुआ, उनका जो पेरीमीटर हुआ, सोइल टेक्सचर हो गया, तो ये उन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, वहाँ का जो अगर रेनफॉल होगा, रेनफॉल होने के बाद में सरफेस पर रनिंग वाटर होगा, रनिंग वाटर नीचे जाने के लिए वहाँ का जो उस सोइल का टेक्सचर होगा, उसका जो साइज होगा, उसका शेप होगा, इन सब पर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके इसके अलावा सोइल में ह्यूमस की क्वांटिटी कितनी है, वो भी वहाँ के पानी को रोकने के लिए क्या करती है, उसके अंदर बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी कि ह्यूमस पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़, अपना जो सेंड होता है, जिसको अपने हिंदी में नाम लिया था बालुई मिट्टी, जिसमें ह्यूमस क्या होगा, सबसे कम होता है, अपने को ये पता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वाटर को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके अंदर क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी कि वाटर को होल्ड वो नहीं कर सकता, तो वहाँ पर तुरंत पानी क्या चल जाएगा, ऑब्जर्व होकर नीचे जाएगा। दूसरा, अगर अपन बात करते हैं अपन सैंड के अंदर, तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं उसके बीच में जो काफ़ी ज़रा गेप होता है, तो क्या होगा, जो सैंड होती है उसमें पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनमें गेप बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर कुछ वाटर आएगा,
तो वो इजीली क्या हो जाएगा, इन स्पेस से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि स्पेस क्या है, बहुत बहुत अपने ज़्यादा है, तो दैट्स वाई वाटर कैन बी ऑब्जर्व इजीली। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, यहाँ पर बहुत कम है। दूसरी बात, अपन इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो वाटर का एग्जिट है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं क्ले की, किसकी बात करते हैं, क्ले की, तो क्ले के अंदर क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है, ये जो पोरस नहीं होती है, अपन बोल सकते हैं इसको पोरस नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर इसके जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोलोइडल टाइप्स के होते हैं, कोलोइडल नेचर के होते हैं, ये अपन ने देखा था। तो वो इनमें क्या होती है, क्ले के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसे एरिया के अंदर अपने को पता है कि कीचड़ वगैरह भी अच्छे से देखने को मिलता है अपने को। तो इसके अंदर क्या होता है कि वाटर लॉग्ड भी होता है, वाटर लॉग कैपेसिटी होती है इसमें। बाकी वो सैंड में नहीं होती, तो ये आराम से इसमें चल जाता है। तो ये बात तो हो गई इसमें। तो अपन सभी टाइप की सोइल्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो सोइल होती है वो होती है लोम, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोमट मिट्टी। इसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस सोइल के अंदर क्या होता है, जो वो मिनरल पार्टिकल्स के साथ में जो कोलोइडल होते हैं वो उसमें, इनमें सब कुछ, इसमें जो सब टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं इस सोइल के अंदर, क्ले टाइप के, क्ले के अंदर भी जो होते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सही होती है और ज़्यादा नहीं होती, ह्यूमस भी इसमें अच्छे से प्रेजेंट होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो होती है, सब मतलब कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो होती है वाटर ग्रोथ के लिए, सॉरी प्लांट के ग्रोथ के लिए बेस्ट जो सॉइल होती है वो होती है लोम। इसके अलावा जो सॉइल के अंदर जो अपने मिनरल्स होते हैं, मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, उनके अंदर जो अपने क्या बोलते हैं पानी का एग्जिट होता है, जिसको इंग्लिश में वो ड्रेनेज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दो वर्ड आएंगे आपके पास, एक तो आएगा ड्रेनेज और एक आएगा सोइल एरेशन। तो इनके अंदर अपन क्या होता है, वाटर का एग्जिट और क्या होता है सोइल एरेशन में आराम से वो क्या बोलते हैं, इसमें जो गैसेस का होता है वो अपने लास्ट में अपन इसके बारे में पढ़ा था। अब सोइल में एंट्री करने के लिए, किसका एंट्री, वाटर एंट्री करने के लिए अलग अलग टाइप्स की चीज़ें होती है, तो अपन इसको काफ़ी टाइप्स में इसको बांटेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। ओके, सो फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल वाटर। क्या होता है ग्रेविटेशनल वाटर में, क्या होता है कि जब बारिश के टाइम के अंदर रेनफॉल जब होता है, तो वहाँ का जो वाटर होता है कुछ पार्ट्स के अंदर सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो पोर्स होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो पहले ज़मीन के अंदर क्या होता है, सोक हो जाता है, सॉक्ड हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली वाटर क्या होता है, पहले तो सॉक्ड हो जाएगा। दूसरी चीज, उसके बाद में क्या होगा, पानी जो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सोइल वाटर क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड धीरे धीरे चल जाएगा, ठीक है, यानी कि कहाँ तक चल जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वहाँ तक चल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में वाटर सॉक्ड बाय सोइल, देन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन क्या होगा, वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल तक। किसकी बात हो रही है, वाटर की हो रही है। ये खेल किसका हो गया, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स का, बस इतना ही, इसमें कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन सेकंड की बात करते हैं तो वो क्या होगा,
रन ऑफ या रन अवे वॉटर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की अपन बात कर लिए। वाटर आया, कोई यहाँ पर धीरे धीरे से क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और धीरे धीरे वो नीचे करके इस लेवल तक पहुँच जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रन अवे या रन ऑफ वाटर की। रन अवे रन ऑफ की बात अपन ने कर ली थी कि जो वाटर का जो वेस्टेज होता है, जो बह जाता है ऐसे ही, तो अगर काफ़ी अपन को पता है कि बारिश के मानसून सीजन के अंदर मोस्टली जो रेन वाटर जो होता है वो क्या होता है, सरफेस के ऊपर ही बहने लगता है। तो ये क्या होता है, ये जो वाटर की ये जो क्वांटिटी है ये किसके लिए नहीं होती, ये प्लांट्स के लिए नहीं होती, क्योंकि उनको तो एक ना फिक्स क्वांटिटी के अंदर उनको तो वाटर चाहिए होता है। इतना ऐसा थोड़ी ना कि वो अपन को बाढ़ आ जाए उसी के अंदर प्लांट ग्रोथ करेगा, उसको तो एक लिमिटेड वाटर चाहिए, तो वो उनके लिए नहीं होता। तो क्या होता है कि ये जो क्वांटिटी होती है ये बह करके कहाँ पर चल जाएगा, रिवर्स तक चल जाएगा। तो इसमें कुछ ही नहीं है रन ऑफ वाटर के अंदर, ये इतना ही है, पानी बह करके नदी तक समुद्र तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट आएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है गाइस, ये अपने को दोनों अपने को पता चल गया। इसके अंदर अपने को कुछ रन ऑफ वाटर में अपने को ज़्यादा नहीं लिखना। ग्रेविटेशनल फोर्स में इतना ही है कि बारिश होती है तो बारिश होकर वाटर सोक कर लेता है, वाटर कौन किसके सोक कर लेता है, सोइल कर लेती है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स करके धीरे धीरे रिस रिस करके पानी के नीचे जाएगा और कौन से लेवल तक हो जाएगा, वाटर ग्राउंड लेवल तक हो जाएगा। देन आता है हाइग्रोस्कोपिक। इसमें क्या होता है कि सोइल के अंदर जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कोलॉइड नेचर जो होता है अपने को पता है, तो इसके कारण क्या होता है, इनके चारों ओर एक पतली जो लेयर होती है वाटर की, वो एक क्या हो जाती है, अपन उसको बोल सकते हैं एक लेयर हो जाती है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर में क्या होगा, ये जैसे कि कोई अपने सॉइल पार्टिकल्स है, इसके अंदर क्या होगा कि इसके चारों ओर जो वाटर होगा इस टाइप से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। समझ रही बात, गॉट इट। इस टाइप से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अपन कौन सा बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्यों क्यों रहे, क्योंकि नेचर कौन सा है इस सॉइल के अंदर, कोलॉइडी नेचर। अपन इस टाइप को क्या बोल देंगे, अपन हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यहाँ पर सोइल कैसी है, कोलॉइडी नेचर की वजह से। तो ये इसमें अपने को बात समझ में आ गई, इतना ही है कि ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब क्या होता है इसमें, आगे देखो कि जो सोइल होती है काफ़ी ऐसी पोजीशन, सॉइल के अंदर काफ़ी ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर एक कोलॉइडी नेचर होने की वजह से ये क्या होता है कि जो वाटर के जो पार्टिकल, सॉरी अपने जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके चारों तरफ ये क्या हो जाते हैं कि इसके जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कोलॉइडी टाइप का नेचर होता है। तो कोलॉइडी नेचर की वजह से ये क्या हो जाए कि वाटर इसके चारों ओर एक लेयर टाइप के अंदर एक क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाता है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। जैसे कि अपन इस डायग्राम के अंदर अपन ने देखा था कि इसके अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो रेल होता है वो कौन सा होता है, रनिंग वाटर होता है अपना। देन उसके नीचे अपना केमिकल बाउंड हो गया, देन वाटर क्या हो जाएगा धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ग्रेजुअली कौन से लेवल तक पहुंचेगा, अपने ग्राउंड वाटर लेवल तक हो जाएगा। ओके गाइज, तो दिस इज़ अबाउट वॉट, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ओके, देन क्या होता है कि इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कोलॉइडी नेचर होता है, अपने को ये पता है। तो ये एक इसमें जो थिन फिल्म टाइप के अंदर क्या होगा, ये इस पार्टिकल्स के चारों ओर क्या हो जाएगा, ये कलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कलेक्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये उस नेचर को क्या करेगा, ये शो कर रहा है। कौन से नेचर को शो कर रहा है, ये कोलॉइडी नेचर को ये शो कर रहा है। देन क्या होगा कि वाटर जो होता है उसके अंदर एक दो अपन टर्म देखेंगे, कोहेसन और एडहेसिव फोर्स, कोहेसन एंड एडहेसिव फोर्स।
ओके तो ये होता है एक फोर्स का नाम होता है कोहेसन और एडेशन फोर्स। इसका मतलब क्या होता है देखो कि कोहेसन और एडेशन फोर्स के अंदर ये जो दो फोर्स होते हैं इनके कारण क्या होता है कि जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं, जो ये सोइल होती है ये क्या सॉरी वाटर जो होता है वो सोइल के चारों ओर इस तरीके से होता है। तो कोहेसिव जो फोर्स होता है वो वाटर के जो एटम्स होते हैं जो उसको क्या करेगा उनके बीच में, और क्या होगा एडेसिव फोर्स वहाँ पर लगेगा जिसकी वजह से वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वहाँ पर वो चिपके रहते हैं। एडेसिव का मतलब चिपकना, एडेशन का मतलब। तो इस प्रकार जो सोइल के पार्टिकल्स होंगे उनके तरफ एक क्या हो जाता है एक लेयर हो जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। ये अपना क्या होगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा। नेक्स्ट आएगा अपना एक कैपिलरी, कैपिलरी फोर्स में क्या होता है गाइस कि जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के अंदर अगर अपन देखते हैं स्पेस होता है जिसको अपन पोर स्पेस बोल रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी होता है कौन सा वाटर के अंदर जो फोर्स होता है अपन उसको क्या बोलेंगे कैपिलरी फोर्स बोलेंगे। जो स्पेस के जो सॉरी स्पेस होता है उनके बीच के अंदर जो होता है कैपिलरी वाटर अपन उसको बोलेंगे। कि जो सोइल सरफेस सोइल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होगा, गैप होने की वजह से उनके अंदर जो वाटर की जो क्वांटिटी होती है वाटर होता है उसको अपन कैपिलरी वाटर अपन उसको बोलेंगे। उसके बीच में क्या होता है गाइस कि जो पोर स्पेस होता है तो वो कैपिलरी ट्यूब के टाइप से होता है, समझ आ रही बात, यानी कि किसके तरह होगा वो कैपिलरी एक ट्यूब की टाइप से उसको शो करेगा। तो इस प्रकार जो अपना कैपिलरी जो ट्यूब होता है कैपिलरी जो गैप होता है उनके अंदर जो वाटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं उनके अंदर एयर और वेपोरेशन प्रोसेस भी उसके अंदर होती है। यानी कि ओबियसली अगर गैप होगा तो वहाँ पर एयर भी होगा क्योंकि स्पेस है, वहाँ पर पोर स्पेस हो गया। तो प्लांट्स की जो रूट होती है उसके अंदर जो रूट हेयर्स होती है वो इसको क्या करेगी ऑब्जर्व करेगी कौन सा कहाँ पर होगा। ये मोस्टली जैसे कि ये अपनी हो गई ठीक है, ये एक कोई भी प्लांट हो गया अपना प्लांट में ये हो गई, ये तो रूट्स हो गई। रूट्स पर अपने को पता है क्या होती है छोटे छोटे रूट्स हेयर्स होती है इस टाइप से, इस टाइप से तो अपन इनको क्या बोल रहे हैं रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स क्या करेगी इस ये जो वाटर ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर ये इसका काम होगा कैपिलरी फोर्स का काम होगा। देन अपन ने एक चीज़ और देखी है इसके अंदर केमिकल बाउंड वाटर, ये देखिए अपन ये देखा केमिकल बाउंड वाटर देखा ये वाला। तो केमिकल बाउंड वाटर के अंदर ये जो हिस्सा है केमिकल बाउंड वाटर ये क्या होता है अपन अब इसके बारे में देखेंगे ठीक है। इसके अलावा अपन ने एक रनिंग वाटर अपन ने देख लिया, ये जो है ये कौन सा हिस्सा है ये रनिंग वाटर है ऊपर वाला, सबसे पहले यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर होगा रनिंग वाटर। ओके गाइस नेक्स्ट अपन अब देखेंगे केमिकली बाउंड वाटर। सो व्हाट इज केमिकली बाउंड वाटर गाइस कि सोइल जो पार्टिकल्स होते हैं सोइल उनके अंदर क्या होता है कि कुछ मिनरल्स जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं मिनरल्स होते हैं उनके जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके साथ के अंदर क्या हो जाता है वाटर का एक केमिकल बॉन्ड हो जाता है ठीक है। जैसे किसमें अपन बात करते हैं मोस्टली फेरस और एल्यूमिनियम के अंदर, किसमें बात करेंगे फेरस एंड एल्यूमिनियम क्या हो रहा है यानी कि जो भी मिनरल्स होते हैं उनके साथ में क्या हो जाता है मिनरल किसके साथ में हो जाता है वाटर के पार्टिकल्स के साथ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक इनके अंदर केमिकल बाउंड हो जाएगा। तो मोस्टली अपन किसकी बात करेंगे फेरस और एल्यूमिनियम की। तो इस टाइप के जो सोइल होता है वो प्लांट्स इस टाइप का जो सोइल वाटर होगा वो प्लांट्स के लिए कोई काम का नहीं रहता,
ठीक है, मोस्टली जो रूट्स होती है वो केमिकली बाउंड वाटर से वाटर को ऑब्जर्व करने के अंदर काम में नहीं आती. सो रूट्स आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम यहाँ से केमिकली बाउंड वाटर से. गॉट इट? तो ये हो गया. अब अपन बात करते हैं कि रूट्स के लिए कौन से काम होता है. रूट्स तो मोस्टली जो वाटर होता है वो कहाँ से लेगी अपने को? ग्राउंडेड वाटर से. ठीक है, तो अब अपन इसमें देखते हैं, एक अपन छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर अपन उसके बारे में. सॉरी, सो दिस इज आवर शेप. अपन इसके अंदर एक दो बॉक्स बना लेंगे अपन. अपन ये जो वाटर का जो रिलेशन होता है सोइल से, अपन उसके बारे में एक डायग्राम अपन बनाएंगे. ओके, तो ये एक हो गया अपना डायग्राम. ये सही हो गया अपना. तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है इसको अपन बोलेंगे ग्रेविटेट. अभी इसके बारे में अपन देखेंगे क्या होता है ये. ओके, ये होगा, वो होगा अपन कैपिलरी. ठीक है, दूसरी चीज यहाँ से फील्ड कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फील्ड कैपेसिटी हो गया. इसको बोलेंगे अपने हाइग्रोस्कोपिक. ठीक है, ये हो गया अपना केमिकल बाउंड, यानी कि सबसे पहले केमिकल बाउंड, देन हाइग्रोस्कोपिक, देन कैपिलरी, फिर लास्ट लास्ट में ग्रेविटेशन हो जाएगा अपना. ओके, अब अपन देखते हैं क्या होता है. तो जो सोइल वाटर होता है उसकी वो क्वांटिटी जो प्लांट्स की रूट्स और जो अंडरग्राउंड और पार्ट होते हैं रूट हेयर्स वगैरह उनके लिए काम होता है या काम का है उनके लिए, उसको अपन बोलेंगे अवेलेबल वाटर. ओके गाइस, यानी कि व्हाट इज अवेलेबल वाटर, जो यूजफुल प्लांट रूट्स. ठीक है, दूसरी चीज इसके अलावा क्या होता है, या सोइल वाटर की वो टाइप जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉट अवेलेबल या नॉन अवेलेबल वाटर. ये क्या हो जाएगा, नॉन यूजफुल टाइप वाटर, टाइप ऑफ सॉइल वाटर. ओके, तो ये दो टाइप के हो गए. तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो सरफेस होता है अर्थ सरफेस, उसमें जो वाटर होता है उसकी कुल मात्रा को अपन क्या बोलेंगे, होलार्ड बोलेंगे. क्या बोलेंगे,
खोला। ये क्या होता है कि सरफेस में ग्राउंड के अंदर जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सॉइल वाटर, की बात करें पर अंडरग्राउंड की बात करते हैं, ठीक है, और इनके अंदर से जो यूज होगा यूजफुल फॉर वाटर, कोलाइड के अंदर से अगर अपन बात करते हैं यूजफुल फॉर प्लांट्स, क्या जो प्लांट्स यूज करते हैं उसको अपन बोलेंगे क्रिसार्ड, क्या बोलेंगे क्रिसार्ड। तो ये दो टर्म हो गए अपने, होलार्ड यानी कि जो टोटल वाटर होगा और क्रिसार्ड जो प्लांट्स के लिए यूज में आएगा, अपन उसको बोलेंगे क्रिसार्ड अपन उसको बोलेंगे। और जो नई काम का है, ठीक है, जो अपना नई काम का है यानी कि नॉट यूजफुल, उसको अपन बोलेंगे एकार्ड। तीनों टर्म्स आई होप समझ में आ गए होंगे, यानी कि सोइल वाटर जितना प्रेजेंट है अंडरग्राउंड उसको अपन बोलेंगे होलार्ड। तो जो वाटर किसके लिए यूजफुल है, प्लांट के लिए यूजफुल है, तो उसको अपन बोलेंगे क्रिसार्ड, और जो नहीं काम का उसको बोलेंगे अपन एकार्ड। तो ये सारी चीज़ें अपने को हो गया। अब सोइल जो वाटर है उनके काफ़ी सारे और भी टर्म्स है, ठीक है, जो अलग अलग दिए थे, तो अपन उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो आता है अपना वो आएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है। अपन इसके बारे में पहले भी अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि व्हाट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो क्या होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एक मिनट, क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा या उसके डिफरेंट सोइल पार्टिकल्स की जो भी सेल्स होती है जिनको अपन कैपिलरीज बोल रहे हैं, ठीक है, उनमें जो वाटर का अमाउंट होता है उसको अपन टोटल क्या बोलेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलेंगे। यानी कि उसके अलावा, किसके अलावा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा सोइल के अंदर जो क्या उसके कैपिलरीज के अंदर जो वाटर होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलेंगे। यानी कि वाटर इन कैपिलरीज, ठीक है, ये किस में होगा, परसेंटेज में होगा, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अलावा कैपिलरीज में जो होगा इसको अपन क्या बोलेंगे। अब ह्यूमिडिटी और जो कैपिलरी जो होता है, ठीक है, इनका जो एडिशन होगा, इनका जो टोटल दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी प्लस कौन सा, कैपिलरीज वाटर, अपन इन दोनों को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर किसी जगह पर सोइल की अपने को क्या पता करना है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर करना है, तो उस जगह के अपने को सूखी मिट्टी लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, सूखी मिट्टी को, उसको अपन काफ़ी छोटे छोटे जिसके अंदर एक बाउल लेंगे या कोई एक ऐसा अपने को कुछ लेना है जिसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे छेद हो, उसके अंदर पोर्स हो, उसमें अपन को भर के उसमें क्या करना है, अपने को 24 घंटे के लिए उसमें अपने को सूखी मिट्टी लेनी है उसके अंदर, और उसमें
को अपन को किसमें रखेंगे, उसमें 24 घंटे के लिए उसमें पानी के अंदर रख देंगे। बाद में अपन क्या करेंगे, इस गीली मिट्टी को और सूखी मिट्टी के जो वेट होता है उसी को अपन क्या बोलेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलेंगे। यानी कि अपन क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, छेद होंगे, पोर्स होंगे, ये छोटे छोटे छेद है। इसमें क्या करेंगे अपन, शुष्क मिट्टी यानी कि अपन इसके अंदर क्या डाल देंगे, अपन ड्राई सोइल, फिर अपन इसके अंदर वाटर भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 24 आवर्स, फिर अपन आफ्टर 24 आवर्स अपन क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विथ क्या, कंपेयर कंपेयर करेंगे इसमें, कंपेयर वेट विथ ड्राई स्पेल, और उसी से अपने को क्या पता चलेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये तो हो गया अपना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कैसे अपने को करना है चेक। दूसरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपने को पता चलता है व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। तो गाइस फील्ड कैपेसिटी क्या होती है कि बारिश के बाद में जो अपना जो जमीन होगी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगेगा तो उससे वाटर के जो भी ग्राउंड के अंडरग्राउंड लेयर्स के अंदर पानी जो चल जाता है तो उसके बाद में सोइल में जो वाटर रह जाता है तो उसकी जो अपन को कैपेसिटी बोलेंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी अपन बोलेंगे। फील्ड कैपेसिटी अपन किसको बोलेंगे, देखना, फील्ड फील्ड कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होगा था, कैपिलरी वाटर, ठीक है, प्लस ह्यूमिडिटी वाटर, प्लस वेपोरेशन वाटर, प्लस केमिकल बाउंड वाटर, इन सबको क्या बोलेंगे, इन सबको मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी अपन बोलेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी के अंदर जो वाटर जो होगा उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कैपिलरी फोर्स, ह्यूमिडिटी या फिर जब अपने केमिकल बाउंड, इनको सबको अपन मिला लेंगे तब जाकर के उसको क्या बोलेंगे, अपन फील्ड वाटर या फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे। यानी कि बारिश के बाद में जमीन के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स से जो पानी चल जाएगा कंप्लीट आ तक चल जाएगा, जो ग्राउंड वाटर होता है वहाँ तक ग्राउंड वाटर लेवल तक चल जाएगा, उसके बाद में जो सोइल के अंदर जो वाटर रह जाएगा उसकी को अपन क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी अपन बोलेंगे। ओके गाइस, तो नॉर्मली क्या होता है किसी जगह पर जो फील्ड कैपेसिटी होती है उसके अंदर सोइल के अंदर जो नमी होती है, ठीक है, उसकी सिर्फ 5 से 40% ही होती है, ठीक है। तो सोइल के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं जितने महीने होंगे उसमें कार्बनिक जो सब्सटेंसेस होंगे, ऑर्गेनिक मेटल्स होंगे, उसकी मात्रा उतनी ही होगी, ठीक है, और उसके उसी के साथ में उसमें सोइल के अंदर क्या होगी, फील्ड कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये था फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट थर्ड इज मॉइस्चर ये, यहाँ पर ह्यूमिडिटी ये मॉइस्चर वाटर आएगा, सो व्हाट इज
मॉइस्चर इक्विवेलेंट। तो गाइस जब अपना जो मॉइस्चर सोइल होती है उसमें ग्रेविटेशनल के 1000 टाइम्स उससे भी ज़्यादा, यानी कि जब अपन किसकी बात कर रहे हैं मॉइस्चर वाटर को ग्रेविटेशनल फोर्स के 1000 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर अपन इफेक्ट करने के बाद में अगर अपन उसको रखते हैं तो उसके बाद में जो भी उसका क्या बचेगा वाटर होगा उसमें उसी को अपन क्या बोलेंगे मॉइस्चर इक्विवेलेंट अपन बोलेंगे। यानी कि क्या होगा मॉइस्चर इक्विवेलेंट के अंदर कोई मिट्टी है ठीक है वो मॉइस्ट हो चुकी है अच्छे से उसमें, यानी कि जितना फोर्स अपन ग्रेविटेशनल फोर्स में लगता है उसके 1000 गुना क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। कौन सा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि 1000 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद में जो वाटर होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे मॉइस्चर इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या होता है इसको अपन चेक करने के लिए क्या करेंगे किसी जगह की मिट्टी को या किसी जगह के अपने को वाटर को अपन क्या करेंगे जो उसका सैचुरेटेड सोइल होगा उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर क्या करेंगे अपन सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसके अंदर अपन राउंड्स पर मिनट पर अपन को चलाएंगे तो अपन क्या करेंगे किसी जगह की सैचुरेटेड सोइल लेंगे। सैचुरेटेड सोइल को क्या करेंगे अपन सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रन करवाएंगे और कितने के अंदर करवाएंगे ऑलमोस्ट 2440 RPM और कितने टाइम के लिए 30 मिनट के लिए तो अपने को पता चल जाएगा ये मॉइस्चर इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट एक आता है अपना हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक को एफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि जब अपना ड्राई सोइल होती है उसको अपन क्या करेंगे मॉइस्ट के अंदर ठीक है सैचुरेटेड एनवायरनमेंट के अंदर या सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर के अंदर रखने पर उसका जो वाटर होगा वो ऑब्जर्व हो जाएगा वाटर वेपर के अंदर उसकी इसमें परसेंटेज क्वांटिटी होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कोएफिशिएंट कहेंगे। यानी कि अपन क्या लेंगे पहले अपन ड्राई सोइल लेंगे ड्राई सोइल लेकर के अपन क्या करेंगे जो भी अपना सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर है सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर है उसमें रखेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर वेपर ठीक है जलवाष्प जिसको बोलते हैं अवशोषित जलवाष्प की जो इसकी जो क्वांटिटी होगी परसेंटेज के अंदर ये सारे किसके अंदर होंगे परसेंटेज के अंदर होंगे इसी को अपन क्या बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट अपन इसको बोलेंगे। लास्ट अपना आता है वो आएगा फिफ्थ नंबर का अपना विल्टिंग कोफिशिएंट। विल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट के अंदर जब सोइल के अंदर वाटर की काफ़ी कम क्वांटिटी प्रेजेंट होती है लेकिन वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनका उपयोग अपन नहीं कर सकते हैं तो उसमें क्या होगा इनकी जो लीव्स होगी वो अपने क्या हो जाती है अपने आप विल्ट होने स्टार्ट हो जाती है अपने को पता ही है तो इसको अपन क्या बोलते हैं विल्टिंग बोलते हैं। तो सोइल के अंदर जो जल होता है अपना वाटर होता है उसकी जो परसेंटेज होती है जिस पर प्लांट क्या होता है परमानेंट विल्ट हो जाता है उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे परमानेंट विल्टिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे परमानेंट विल्टिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे। इस पर बोलेंगे कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या हो जाएगा जो वहां पर जो प्लांट होगा वो परमानेंटली उसकी जो लीव्स होगी वो क्या हो जाएगी अपन को पता है कि जैसे कि डेजर्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर पानी बहुत कम होता है तो वहाँ पर क्या होता है प्लांट्स की जो कई बार होती है कि एक पॉइंट होता है वहाँ पर उसको अगर वाटर नहीं मिल पाता है तो वो विल्टिंग प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाएगी उसकी जो पत्तियाँ हैं वो मुरझाना स्टार्ट हो जाती है तो इनकी मुरझा जाती है पत्ती तो इस प्रकार को अपन विल्टिंग बोल देंगे। लेकिन सोइल के अंदर अगर
जो वाटर प्रेजेंट है उसकी वह क्वांटिटी जिस पर पौधा जो होगा वो परमानेंट ही विल्ट होना हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, परमानेंट विल्टिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो ये जो विल्टिंग कोएफिशिएंट है वो क्या करेगा, सॉइल के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, दूसरी चीज़ वो मॉइस्चर इक्विवेलेंट है, ओके, तीसरी चीज़ अपना हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट है, इनसे क्या होता है, संबंधित होता है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे देखना, कि विल्टिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा मॉइस्चर इक्विवेलेंट अपॉन 1.84, ठीक है। दूसरा क्या जाएगा अपना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2.90, और लास्ट के अंदर आ जाएगा अपना हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, अपॉन 0.68। तो ये एक क्या है, विल्टिंग कोएफिशिएंट का इन तीनों से क्या है, एक रिलेशन है कि विल्टिंग कोएफिशिएंट का मॉइस्चर इक्विवेलेंट अपॉन 1.84, ठीक है, इतना इसके बराबर होगा। विल्टिंग कोएफिशिएंट अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो 2.90, और हाइग्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो 0.68। तो व्हाट इज दिस, ये एक रिलेशन हो गया इसके अंदर वाटर अपने कैपेसिटी के अंदर। तो ये दिस इज व्हाट अबाउट सोइल वाटर। तो आज अपन ने जो देखा वो देखा अपन सोइल वाटर के बारे में अपन स्टडी करी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके गाइस, तो ये सारा अपना क्या खेल था आज अपना, सोइल एयर एंड सोइल वाटर, जिसके अंदर अपन सबसे पहले तो सोइल वाटर का जो अपना थोड़ा बहुत टॉपिक बच रहा था अपन वो देखा, फिर अपन ने सोइल वाटर देखा, ठीक है। ये अपना एक छोटा सा एक सुंदर सा डायग्राम हो गया। इसके बाद में अपन ग्रेविटेशनल वाटर देखा, रन ऑफ रन एवे वाटर, कैपिलरी फोर्स, ये अलग अलग टाइप्स के अपने वाटर हो गए। ओके, देन अपन ने होलार्ड कहा, एक टर्म लाया अपन अपने कार्ड और जो हो गया अपना, फिर उसके बाद में अपन अलग अलग चीज़ें देखी। सो दिस इज टोटल अबाउट टुडेज क्लास, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन गाइस, गुड बाय।